वेलकम टू ईवास किचन, जहां आज हम बना रहे हैं ग्रीन मसाला मटन चॉप्स। सबसे पहले हम लेंगे ईवा सनफ्लावर ऑयल और उसे एक पैन में अच्छी तरह गरम करेंगे। फिर उसमें हम प्याज डालेंगे और उसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे गार्लिक और उसे भी फ्राई करेंगे। नाउ विल ऐड आवर मटन चॉप्स टू द पैन एंड फ्राई फॉर अबाउट 10 मिनट्स अंटिल द कलर चेंजेस। फिर हम इसमें डालेंगे जीरा और नमक और इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर 1 लीटर पानी डालेंगे ताकि सारे चॉप्स इसमें अच्छी तरीके से कवर हो जाएं। मिक्स करें और लिड कवर करके हल्की आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दें। चॉप्स को गलने में करीबन घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद जब आप लिड को अनकवर करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह लगेगी। एट दिस पॉइंट हमें इसमें सारा पानी ड्राई करना है। इसके बाद हम इसमें सारा ग्रीन मसाला ऐड करेंगे, जिसमें है पालक, कड़ी पत्ता, धनिया और ग्रीन चिली। तमाम ग्रीन मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। We'll finish it off with lemon juice and that's it. Our green masala mutton chops are ready to serve. I hope you like this recipe. For more such easy recipes, don't forget to check out Eva's recipe book, Food for Life, in collaboration with Chef Mehboob.